हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में सिर्फ 2 मीटर कपड़े में वेस्ट रफल प्लाजो विद टॉप का डिजाइन लेकर आए हैं। इस प्लाजो टॉप को आप 2 तरीके से वेयर कर सकते हैं। सिंपली इसे प्लाजो टॉप बना सकते हैं और जंप सूट की तरह भी इसे पहन सकते हैं। दोनों तरीकों से काफी अच्छा लुक दे रहा है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस डिजाइन के प्लाजो टॉप के लिए सिर्फ 2 मीटर कपड़ा रिंकल रियॉन लिया है, तो चलिए पहले प्लाजो की कटिंग करते हैं। देखिए, ये हमारा पूरा 2 मीटर का कपड़ा है और यहाँ से कपड़े को मैंने डबल लेयर में लिया है। अब एक साइड से कपड़े को इस तरह फोल्ड करें। कपड़े को इस तरीके से बिछाने के बाद अच्छे से सेट कर लें और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कपड़े को पहले सीधा करें। जिस निशान को सीधा किया था, यहाँ से 3 इंच लेंथ एक्स्ट्रा लेंगे पहले। फिर इस निशान से जितनी प्लाजो की लेंथ रखनी हो उतनी लेंथ लेंगे। तो इसमें मेरे प्लाजो की लेंथ है 34 इंच और 34 में 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैंने 34.5 इंच लेंथ ली है। अब यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे, तो इसमें कमर का साइज है 30 इंच, जिसका 1/4 हुआ 7.5 इंच। तो सेंटर से पहले 7.5 इंच पे निशान लगाएं। फिर इस निशान से 2 इंच की लूजिंग देंगे और 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ से 2.5 इंच विड्थ एक्स्ट्रा लेंगे। इसकी टोटल चौड़ाई हो गई 10 इंच, तो क्रॉच लेंथ भी 10 इंच रखेंगे। और यहाँ पे भी 10 इंच की विड्थ लेते हुए निशान लगा देंगे। इस निशान को पहले सीधा कर लेंगे। इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हल्की सी गोलाई देंगे। अब इसको पूरा मेजर करेंगे। यहाँ से इसकी टोटल विड्थ हो गई 11.5 इंच, तो बॉटम पे भी 11.5 इंच की विड्थ लेते हुए निशान लगा देंगे। इस निशान को बॉटम के निशान से मिला देंगे। अब इस निशान को ऊपर तक सीधा कर लेंगे। अब जहां पे निशान लगाए हैं, बिल्कुल उसी निशान पे कट कर लेंगे। यहां पे स्मॉल कट लगाएंगे। इस वाले कपड़े को अंदर के लिए पलट देंगे, इसलिए अंदाजे के लिए कट लगाया है। और इसमें कमर का साइज लिया था हमने 30 इंच। 30 इंच के अकॉर्डिंग क्रॉच लेंथ रखी हमने 10 इंच की। अगर आप इस साइज में आसन फिटिंग का पहनना चाहते हैं, तो आप इतनी क्रॉच लेंथ रख सकते हैं। लेकिन अगर आप आसन थोड़ा लूज पहनते हैं, तो यहाँ से आप सिर्फ 1.5 इंच प्लस कर लीजिएगा। जैसे मुझे भी यहाँ पे आसन थोड़ा लूज चाहिए, तो मैं यहाँ से 11.5 इंच की लेंथ पे निशान लगा दूंगी। और जो शेप हमने यहाँ पे दिया था, उस शेप को ऐसे नीचे तक कर देंगे। फिर इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अगर आप आसन थोड़ा लूज पहनते हैं, तो इतनी क्रॉस लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब 11.5 इंच। और अगर आप आसन बिल्कुल फिटिंग का पहनते हैं, तो जितना हमने पहले निशान लगाया था, आप उतना निशान लगाते हुए कट कर सकते हैं। और देखिए, साइड से हमारा ये कपड़ा बच गया है। इसमें हम बाद में टॉप बनाएंगे, पहले प्लाजो की स्टिचिंग कर लेते हैं। प्लाजो को सेंटर से खोलेंगे और दोनों क्रॉच लेंथ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए डबल सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। और ऊपर से 3 इंच लेंथ का जो निशान लगाया था, उस निशान को चौक की हेल्प से बराबर कर देंगे। देखिए, ऐसे पीछे भी बराबर कर दिया है। अब ऊपर वाले कपड़े को यहां से नीचे के लिए पलट देंगे, तो पहले 1/2 इंच कपड़ा अंदर के लिए फोल्ड करें। फिर जहां से हमने निशान लगाया है, बिल्कुल इसी निशान के ऊपर से
फोल्ड कर देंगे। और इस तरह बराबर फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे और ऐसे पूरे कपड़े को पलटते हुए नीचे की तरफ सिल देंगे। एक तरफ से लगभग 1.5 इंच का मार्जिन खुला रखेंगे इलास्टिक को डालने के लिए। इलास्टिक डालने से पहले इसमें हम ऊपर से रफल बनाएंगे, तो उसके लिए पहले निशान लगा लेंगे। इसमें इलास्टिक डालेंगे हम 1 इंच चौड़ी, तो नीचे से ऊपर के लिए 1 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। 1 इंच पे निशान लगाते हुए इस निशान को बराबर कर देंगे और सेम ऐसे पीछे भी लगा दिया है। अब पहले इसी निशान पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और ऐसी सिलाई पीछे तक बिल्कुल उसी निशान पे लगाएंगे। और जैसा बताया था 1 इंच चौड़ी इसमें इलास्टिक डालेंगे। कमर का साइज लिया था 30 इंच, 30 इंच में 9 इंच कम करते हुए इतनी पतली एक इलास्टिक लेंगे और जहां से हमने मार्जिन खुला रखा है यहां से इस इलास्टिक को डाल देंगे। इलास्टिक को डालने के बाद इसको सब तरफ बराबर कर देंगे। अब जहाँ से हमने इलास्टिक डाली है वहाँ से एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चढ़ाएंगे इलास्टिक को। 4 से 5 सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देंगे और ऐसे इलास्टिक को अंदर करने के बाद उतने ही मार्जिन को फोल्ड करेंगे जितना मार्जिन फोल्ड करके हमने सिलाई लगाई थी और ऐसे बराबर करते हुए किनारे से सिलाई लगा देंगे। और ये सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर इलास्टिक को इस तरह बराबर कर देंगे और इलास्टिक को कपड़े के साथ इस तरह खींचते हुए इसके एक सेंटर पे सिलाई लगा लेंगे जिससे इलास्टिक पहनने पर मुड़ेगी नहीं। बॉटम पर लेस लगाएंगे, उसके लिए इस तरह की पॉम पॉम लेस लें। अब इस लेस को सीधी तरफ से इस तरह रखें। ऐसे बराबर मिलाते हुए ऊपर की तरफ से किनारे पे सिलाई लगा देंगे। अब इस लेस को पीछे की तरफ पलट देंगे, तो इसको इस तरह पलटेंगे और इस तरफ से ऊपर की तरफ से किनारे पे इस तरह सीधी सिलाई लगा के लेस को पीछे की तरफ पलट देंगे। और जैसे एक मोरी में हमने इसको अटैच किया है, सेम ऐसे ही इसकी दूसरी मोरी में भी लेस को अटैच कर लेंगे। और दोनों क्रॉच एरिया को सेंटर पे लेके आएंगे। इस तरह सेंटर से बराबर मिलाते हुए एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे सिलाई को लॉक कर देंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सेंटर से इसको स्टिच कर देंगे और इस साइड भी सिलाई को लॉक कर देंगे। अब ये प्लाजो मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ और देखिए बिल्कुल आसान तरीके से और कुछ ही मिनटों में प्लाजो पूरा तैयार हो गया है। इससे पहले भी हमने आपको प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में बताई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से चेक करके आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने उसमें कटिंग की है सेम उसी मेथड पर इसमें भी कटिंग की है, बस रफल बनाने के लिए ऊपर से 3 इंच लेंथ एक्स्ट्रा ली थी
बाकी पूरा मेथड सेम वही है, आप मेरी उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अभी हम इसका टॉप बनाते हैं। और देखिए ये साइड से हमारा कपड़ा बचा था प्लाजो की कटिंग करते समय, तो यहाँ पे मैंने उसी कपड़े को लिया है। और इसमें हमें टॉप की लेंथ रखनी है 20 इंच, तो इसमें 20 इंच की लेंथ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेंथ में लेते हुए कट करेंगे। तो ऐसे लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़े को कट करेंगे और पहले यहाँ से इसकी चौड़ाई मेजर करेंगे, क्योंकि इसमें चेस्ट का साइज लेंगे हम 34 इंच, 34 का हाफ हुआ 17 इंच, क्योंकि ये कपड़ा हमारा डबल लेयर में रखा है। तो देखिए यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई हमारी कम है, तो ऊपर से जो हमने कपड़े को कट किया था, और देखिए हमने कपड़े को इस तरीके से कट किया था, यहाँ से कपड़ा हमारा फोल्ड था, तो इसको जब ओपन करेंगे तो इसकी पूरी सीधी लेंथ निकल आएगी। तो इस कपड़े को इन दोनों लेयर में साइड से अटैच कर देंगे। इस तरीके से साइड में जितनी भी आपकी फिटिंग हो उसके अकॉर्डिंग लगभग आपको 5 इंच ज्यादा चौड़ाई में कपड़ा चाहिए होगा, तो इसलिए हम इसको साइड में पहले अटैच कर लेंगे। और देखिए साइड से फिटिंग के अकॉर्डिंग कपड़े को ज्वाइंट कर दिया है दोनों लेयर में। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, फिर दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करें। और यहाँ से टॉप की लेंथ रखेंगे हम 20 इंच और 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे, तो यहाँ से टोटल लेंथ है हमारी 21 इंच। अब ऊपर से 7.5 इंच आर्म होल लेंथ लेंगे और इस साइज में फुल शोल्डर है 14 इंच का, जिसका हाफ हुआ 7 इंच, तो सेंटर से 7 इंच पे निशान लगाएं। फ्रंट पे भी 7 इंच पे निशान लगाएं। इस निशान को यहाँ से मिला दें। और इसमें चेस्ट का साइज लिया था हमने 34 इंच, 34 का 1/4 हुआ 8.5 इंच, और 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे और 1 इंच के लूजिंग देंगे, तो सेंटर से 10 इंच पे निशान लगाएं। और बॉटम पे चेस्ट की फुल विड्थ के अकॉर्डिंग 1 इंच प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे फुल विड्थ हो गई 10 इंच, इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे हो जाएगा 11 इंच, तो यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाएं। इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। इन दोनों के सेंटर पे लगभग 1/4 इंच का गैप देते हुए हल्का सा घुमाते हुए इस तरह शेप दे। अब नीचे से ऊपर के लिए 1 इंच पे निशान लगाएं और यहाँ से हल्का सा गोलाई देते हुए यहाँ तक मिला देंगे। यहाँ पे आर्म होल का शेप दें। नेक की विड्थ रखेंगे 4 इंच और डेप्थ के लिए 3.5 इंच पे निशान लगाएं। इस निशान को यहां तक गोलाई में शेप दें। बैक पार्ट में सेंटर पे कट लगाएंगे, तो यहां से 3 इंच की लेंथ पे निशान लगाएं। शोल्डर 1/2 इंच डाउन कर देंगे। इस निशान को यहां से मिला दें, जहां से निशान लगाया है सेम निशान पे कट करेंगे। दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट को पहले अलग करें। बैक पार्ट के लिए जो निशान लगाया था यहां तक सेंटर से कट कर दें। और यहां पे मैंने कट को फोल्ड कर लिया है। इस टॉप में मैंने आपको कट को कैसे फोल्ड करते हैं और नेकलाइन कैसे फोल्ड करते हैं ये दोनों सिखाया है। जैसे हमने इसमें नेकलाइन को फोल्ड करना बताया है, सेम वैसे ही हम आर्म होल को भी फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी इसके ऊपर इसके दूसरे पार्ट को उल्टा रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने नेक लाइन और आर्म होल को भी फोल्ड कर लिया है, जैसे हमने प्लाजो में लेस को अटैच किया था सेम ऐसे ही
इसमें भी इस लेस को अटैच कर देंगे। और देखिए मैंने यहाँ पे लेस को अटैच कर लिया है, सेम ऐसे ही दूसरे में भी लेस को अटैच कर लिया है। साइड से बराबर मिलाते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेकर साइड से स्टिच कर देंगे और दोनों तरफ से सिलाई को लॉक कर देंगे और सेम ऐसे ही दूसरी साइड से भी अटैच कर लेंगे। बैक साइड में जिस कपड़े को फोल्ड किया था इसमें साइड से हेमिंग कर दी है और ऊपर से ये हुकाई भी अटैच कर दिया है। और जैसा कि आपने देखा सिर्फ 2 मीटर कपड़े में हमने ये प्लाजो टॉप तैयार कर लिया है। अब इस प्लाजो टॉप की हम आपको फिटिंग दिखाते हैं। और देखिए इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है, मैंने इसे जंपसूट की तरह वेयर किया है। आज का डिजाइन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी। और साथ ही मेरे दूसरे चैनल मिनी क्लासी बुटीक को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।